गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, योगा सेशन ख़त्म हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने वीडियोस बनाए हैं प्राणायाम के ऊपर और योगा के ऊपर वो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए देखिए और योगा को फॉलो करिए। एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें फिज़िकली स्पिरिचुअली अवेकन करता है, ऐसी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज है सैटरडे और आपको पता है कि सैटरडे को क्या होने वाला है। सैटरडे को हम जा रहे हैं आद्विक और आद्विक की मम्मा को उनके नानी के घर से वापस लाने के लिए। पहले हम करेंगे वीडियो एडिट और उसके बाद फिर निकलेंगे आद्विक जी को उनके नानी के घर से लाने के लिए। खाए जा रहे हैं स्प्राउट्स, काम शुरू हो गया है। तो नहा धो के हुए तैयार, वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, बरसाना जाना है मुझे क्योंकि अराउंड 135-140 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं बरसाना, आदवी जी से मिलते हैं, आदवी जी की मम्मा से मिलते हैं, वापस लाते हैं उनको। पूरा गर्मी है, बदली भाई धूप। तो निकल पड़े हैं, पहले पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में और निकलते निकलते 2 बज गया। बदली वाला मौसम है लेकिन ऊपरी देखो क्या होता है, बारिश होती नहीं होती है क्योंकि धूप बादल यही चल रहा है। उमस हो रखी है, बहुत गर्मी है। लंबी लाइन जेवर टोल प्लाजा पर। फाइनली पहुंच गया बरसाना। टाइम हो रहा है 6:04 लग गए पहुंचने में। हेलो आदू, हरे कृष्ण। ये है परिक्रमा रास्ता जिस पे हम लोग अभी चले जा रहे हैं। राधे राधे श्याम राधे राधे।
परिक्रमा करते हुए आ गए हैं राधा रानी मंदिर बरसाना, पहुंच गए हैं। ये पूरा बरसाना गांव नीचे बसा हुआ, मंदिर परिसर में फोटो लेना मना है, तो इसलिए बाहर से खड़े होके तभी लौट के आ गए वापस घर पे। उस परिक्रमा मार्ग पर जाकर के मंदिर के दर्शन किए, परिक्रमा मार्ग से ही होते हुए वापस घर आ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। अभी आते बाहर वाटर सबमर्सिबल से खेल रहे हैं, चलते हैं थोड़ा वाटर सबमर्सिबल से खेलते हैं, भीगते हैं, ठंडे होते हैं और कल फिर नई कहानी शुरू करते हैं। तक गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग। तो आज का संडे शुरू हो चुका है, कल हम लोगों ने काफी मस्ती करी, मंदिर घूम के आए, आज हम लोग को वापस यहाँ से दिल्ली के लिए जाना है। तो पोस्ट लंच यहाँ से निकलेंगे। आदित्य जी की फुल ऑन मस्ती चल रही है नानी के घर पर और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। पता चला कि कल जब मैं वहाँ से लौट आया इंदिरापुरम से, गाजियाबाद से बरसाने आ गया था, तो इंदिरापुरम में बहुत बारिश हुई। कहाँ चढ़ गए हो तुम, नीचे उतरो। एक गिरे 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 गिरे, जंप कर जाओ, जंप कर जाओ, जंप। ये मूरी के यहां से खेत के है, ये पूरा किचन गार्डन बना हुआ है घर के अंदर ही। लौकी, बीन्स, कद्दू, बेल लगी हुई है बहुत सारी चीजों की, टमाटर, ये है लोबिया। लोबिया के पौधे हैं जिनको बरबट्टा या लोबिया बोलते हैं, निकल रहे हैं। ये है लोटस पॉन्ड। मूली, पालक, चराई खेत से ही है। तो बस इंतज़ार है अब खाना खाने का, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। दाल, लो नहीं मम्मा, नानी। अरे माँ, आदू ऐसी की हवा आ रही है पीछे, कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है। मम्मा को बुलाओ यार जल्दी, कितना टाइम लगाएंगे। बोतल में पानी भर रही है। छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारी मम्मा को? नहीं। निकल गए बरसाने से, अभी अब दिल्ली के रास्ते में है। शाम तक 4-5 बजे तक प्रोबेबली पहुंच जाएंगे हम लोग दिल्ली। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, आदू जी की पिकनिक नानी के घर से कंप्लीट हो गई है। आदू आप घर आ गए? हाँ। नानी के घर क्या कैसा रहा? बहुत
बहुत अच्छा बहुत अच्छा।